हम लोगों को पार्टी में बुला करके सो तो नहीं गया हुआ है? सर अपनी खुद की बर्थडे पार्टी में कैसे सो सकते हैं? अरे कोई भरोसा नहीं है, 60 साल का हो गया वो। सुधीर बाहर आ भाई। हेलो। पार्टी आज ही है कल की? हाँ पार्टी आज ही है, I'm sure। मैं फोन करता हूँ एक बार। घंटी तो अंदर ही बज रही है, इसका मतलब अंदर ही है। तो फिर अंदर से कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? मैंने कहा ना 60 साल का हो गया, बचपना नहीं गया इसका भी। सुधीर उधर खिड़की की तरफ जाकर देखेंगे। हाँ हाँ सर चलते हैं। इमरजेंसी मेडिकल कार्ड, इन्हें बादाम और फिश से एलर्जी थी। सर केक भी पूरा खाया नहीं है, ये देखिए। लगता है केक कटने के तुरंत बाद ही इन लोगों की मौत हो गई। हाथापाई के कोई निशान नहीं है, सीधे गोली लगी है। यहीं से गोली मारी होगी। चौथी लाश कहाँ? अंदर है सर। गन केस, गन गायब है। वैसे सर इस हादसे को कितना टाइम हुआ होगा? इन चारों की मौत कल दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगी। कौन होगा ये कुछ पता चला? हाँ सर, वो सुधीर जी हैं, आरके विप्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। वो उनका बड़ा बेटा नील और ये उनका छोटा बेटा रितेश, और अंदर जो है वो सुधीर जी की वाइफ है माया। सर नील और रितेश दोनों आरके विप्स कंपनी के बोर्ड मेंबर थे, लेकिन कंपनी की हालत बहुत खराब थी, बंद होने पे आ गई थी, महीनों से बिल नहीं भरे और मार्केट का कर्जा नहीं चुकाया, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो फिर यहाँ सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा था? सर सुधीर जी का 60th बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो और भी लोग आए होंगे ना यहाँ पे? ऑफिस के कुछ लोग आए थे सर, और उनसे पूछताछ करके उन्हें जाने दिया। ये सब लोग यहाँ एक साथ रहते थे क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो सिर्फ सुधीर जी और माया रहते थे। सुधीर जी ने नील और रितेश के लिए अलग अलग बंगले खरीद के रखे थे, ये दोनों वहीं पे रहते थे। आज तो ये अपने डैड का बर्थडे मनाने के लिए आए थे। सर शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, केक काटने के कुछ मिनट बाद ही सबकी मौत हो गई। पार्टी प्लान करने वाली टीम आई थी यहाँ पर, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वापस चले। मुझे लगता नहीं कोई बाहर से आया होगा, जो कुछ भी हुआ है इन चारों के बीच में ही हुआ है। नहीं यहाँ घर में कोई नौकर वकर तो होगा ना? है ना, नौकर है ना, लेकिन वो गांव गए। सुधीर जी ने सिर्फ आज के लिए एक सर्वेंट हायर किया था, वो कल सुबह काम करके गए और पार्टी खत्म होने के बाद साफ सफाई करने आने वाला था। पार्टी खत्म होने से पहले ये सब खत्म हो गया, लगता तो ये मर्डर ही है। सॉरी डॉक्टर साहब, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों के अलावा यहाँ कोई पांचवा भी था जो बाहर से अंदर आया था। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है और हर चीज अपनी जगह पे है। ऐसा लगता है कि किसी ने केक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसे खा के चारों बेहोश हो गए, उसके बाद वो पांचवा आदमी घर के अंदर घुसा और उसने सबको गोली मार। ये बस 100% मर्डर ही है। मर्डर और सुसाइड भी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
सही है देखो, बाकी तीनों लाशों के पास स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं है सिवाय सुधीर जी के। पैर भी मुड़े हुए हैं, ब्लड लॉस ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि जब इनको गोली लगी तो ये जिंदा थे। अगर ये भी केक खा के बाकियों की तरह बेहोश होते तो उनकी तरह ही पड़े रहते। इन्होंने तीनों को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली, ऐसा लगता है। अगर ऐसी बात है तो जिस गन से गोली चली वो गन कहाँ है? गन यहाँ गोली लगी है गणपति पे। सुधीर जी ने अगर गन चलाई होगी तो ऐसे गिरे और गन वाला हाथ जमीन पे टकराया और ये रहेगा। सर ये देखिए, रितेश का मोबाइल मिला। सर उसने केक काटने के बाद ही अपने सोशल प्रोफाइल पे सेल्फी अपलोड की। मैं कह रहा था ना, पांचवा कोई हो ही नहीं सकता है। सर पता नहीं क्यों मुझे अभी भी शक है। अब शक करना तो अपना काम ही है सर। एक काम करते हैं, जितने भी एविडेंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, ब्यूरो लेके चलते हैं, देखते हैं एसीपी सर क्या कहते हैं। गड़बड़ लगती है सर, बस मुझे उन लोगों के पेट में केक के टुकड़े मिले, वो केक जो उन लोगों ने खाया था, और उस केक में सेडेटिव मिला हुआ था, नशीली दवाई। सेडेटिव इन्होंने खाया और बेहोश हो गए। चारों? नहीं, तीन, नील, रितेश और माया। मुझे इन तीनों के ही पेट में सिर्फ केक के टुकड़े मिले। मतलब सुधीर जी ने वो केक खाया ही नहीं था? नहीं नहीं, सुधीर सिर्फ अकेला था जो गोली लगते वक्त होश में था। क्या सुधीर जी ने अपने बर्थडे पे केक नहीं खाया? नहीं खाया, क्योंकि उस केक में बादाम मिला हुआ था। लेकिन सर उनके घर वालों को तो पता ही होगा कि उन्हें बादाम से एलर्जी थी। एग्जैक्टली, तो वो ऐसा केक लाए क्यों? अजीब है, बर्थडे सुधीर जी का और केक उन तीनों ने खाया। केक तीनों ने खाया, लेकिन वहां पर जो गन मिली है उसमें से चार गोलियां चली हैं जो इन चारों को लगी। कमाल की बात यह है कि उस पर सुधीर की उंगलियों के निशान, और वो गन भी सुधीर जी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो सुधीर जी ने पहले उन तीनों को गोली मारी, फिर खुदकुशी कर ली। पर क्यों? बर्बादी से बचने के लिए, धंधा डूब रहा था, कर्जे बढ़ रहे थे, इसलिए अपने साथ पूरे फैमिली को भी मार डाला। और क्या वजह हो सकती है? हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है। सुधीर जी जानबूझ के वो बादाम वाला केक लाए थे ताकि उन्हें खाना ना पड़े। उसने बाकी तीनों को सेडेटिव डाल के वो बादाम वाला केक खिला दिया और बेहोश होने के बाद उन्हें मार के खुद आत्महत्या कर ली। पूर्वी, वो रितेश ने जो फोटो अपलोड किया था नेट पर, तो लगा उसे। कितने बजे ली थी ये फोटोग्राफ? सर 2:05। और अपलोड किया? सर 2:07। सर मुझे एक बात बता, केक खाने के कितनी देर बाद बेहोश हुए होंगे सब लोग? 20-25। मतलब 2:30 या 2:35। और अंदाजन मौत का वक्त भी वही है सर, वो 2:30 से 3:45 के बीच। मतलब सब कुछ हुआ है 40 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट, ये क्या है? तो परछाई कैसी है? ये शैडो, ये चारों तो यहाँ खड़े, तो फिर वहां पे परछाई कैसे आई? वहीं जाकर देखना होगा ये शैडो कैसा है। 2:04। पर्दे वर्दे की पोजीशन सेम हो गई ना? बिल्कुल सर, पोजीशन ले लेते हैं। रेडी? 2:05 या। अरे इसमें तो कोई परछाई दिख नहीं रही। तो उसमें परछाई कहां से आ गई? धूप इधर से आ रही। पूर्वी जरा उधर जाके खड़ी हो ना। या बस। हाँ, इसमें परछाई दिख रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी, सेम टू सेम। वैसा ही था, यहाँ पे कोई पांचवा भी था और वो वहीं खड़ा था जहाँ मैं खड़ी थी। ये वही आदमी है जिसने सुधीर जी और उनकी फैमिली को मारा है, और उसने हमें ऑलमोस्ट धोखा दे दिया कि मर्डर कम सुसाइड है, और उसी की परछाई ने उसे धोखा दे दिया। अगर सर इस परछाई से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? खूनी का मेन टारगेट था सुधीर जी, और वो उस वक्त वहीं पे खड़ा था, कोई जान पहचान वाला ही होगा। करेक्ट।
सर पता लगाओ सुधीर जी ने पार्टी में किन किन लोगों को बुलाया था। सर मैं परी। तुम सुधीर जी की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी? जी। सर मैं जानवी। मार्केटिंग हेड। यस सर। जी मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं कंपनी का लॉयर हूँ। और सुधीर जी के पर्सनल लॉयर भी? जी हाँ। लेकिन आप लोग हमसे क्या जानना चाहते हैं? सुधीर जी की कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ आप तीनों को बुलाया। ऐसा क्या खास रिश्ता था आप लोगों का सुधीर जी के साथ? सर मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। तो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ इतने पर्सनल रिलेशन? सर मैं सिर्फ उनका काम ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ मैनेज करते थे, आई मीन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। और उस दिन में मैं पार्टी मैनेज करने गई थी, सेलिब्रेट करने नहीं। और आप वकील साहब? सर सुधीर और मैं बचपन के दोस्त हैं, उसका बर्थडे और मैं ना जाऊं ये कैसे हो सकता है? और आप, आपको क्यों इनवाइट किया था सुधीर जी ने पार्टी में? सर मुझे सुधीर सर ने नहीं, नील ने इनवाइट किया था। मैं और नील बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सी आप उनका पूरा शेड्यूल मैनेज करती थी। तो पार्टी वाले दिन कोई मिलने आने वाला था, कोई मीटिंग वगैरह रखी थी आप लोगों ने? सर उस दिन बैंक हॉलीडे था तो कुछ मीटिंग या अपॉइंटमेंट नहीं थी, और उनका बर्थडे था तो वो पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहते थे। कल दोपहर 2 और 3 के बीच में आप तीनों कहाँ थे? सर मैं तो अपने घर पे ही थी, वी ब्लॉग बना रही थी। वी ब्लॉग? वीडियो ब्लॉग। मेरा एक इंटरनेट चैनल है जिस पर मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। सर मैं घर पे सो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था। अच्छा इधर हाल ही में सुधीर जी के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा आप लोगों ने? हाँ सर मैंने एक बात नोटिस की थी। सर अभी से कुछ 1 महीने पहले हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। सर क्या बात है, अंदर आ जाओ। ठीक है तुम जाओ। सॉरी जेंटलमैन मीटिंग इज ओवर। बच्चों के कपड़े? यस सर। अच्छा और कुछ नोटिस किया आप लोगों ने, कोई अजीब बात? हाँ सर कुछ 2 हफ्ता पहले मुझे बधिर ने बोला था कि वो अपनी वसीयत चेंज करना चाहता है। वसीयत बदलना चाहते थे क्यों? पता नहीं सर, उनकी वसीयत में 3 लोगों के नाम थे, एक उनकी बीवी का, माया का, और 2 उनके बेटे। लेकिन वो एक चौथा नाम उसमें जुड़वाना चाहता था, ऐड करवाना चाहता। क्या क्या नाम क्या था उस चौथे का? सर नाम तो उसने नहीं बताया। आपने वसीयत बदली थी? जी मैंने सब पेपर्स तैयार कर दिए थे, बस नाम भर के और सुधीर को साइन करने थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा कि वसीयत नहीं बदलनी, वो पुरानी वाली वसीयत ही रखनी है। ठीक है। अब ये चौथा आदमी कहां से आ गया जिसका नाम सुधीर जी अपनी विल में इंक्लूड करना चाहते थे? सुधीर जी की मौत का इस चौथे से कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, ये बच्चों के कपड़े कोई क्यों भेजेगा किसी को? बच्चों के कपड़े अगर भेजा गया था तो फिर वो एनवेलप कहाँ है? सुधीर जी के घर को तो हमने अच्छी तरह से चेक किया था, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। घर में नहीं तो ऑफिस में। अरे इस पे तो कोई पोस्टल स्टैंप और भेजने वाले का नाम भी नहीं है, फिर ये पार्सल यहां तक पहुंचा कैसे?
लगता है किसी ने एनवेलप सीधे कंपनी के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इस एनवेलप को डॉक्टर सालुंकी के पास भेज देते हैं, शायद उन्हें कुछ मिले। ठीक है, ये जानवी कह रही थी ना, ये पार्सल देख के मिस्टर सुधीर एकदम चौंक गए थे। हो सकता है कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। और उसके बाद उन्होंने किसी को कॉल भी किया होगा। पिछले महीने के कॉल डिटेल्स मंगवाते हैं सुधीर जी के, देखते हैं ये एनवेलप मिलने के बाद सुधीर जी ने सबसे पहले फोन किसको किया था। सुधीर का फोन आया था एक अरसे के बाद। क्या बात हुई थी आप दोनों की? गुस्से में था कि मैंने उसे वो एनवेलप क्यों भेजा, लेकिन मैंने उसे कोई एनवेलप नहीं भेजा। लेकिन कोई तो वजह होगी, सुधीर जी ने आप पे शक किया। जी हाँ, वो एनवेलप में बच्चे के कपड़े थे। उसे लगा कि वो वही कपड़े थे जो मैंने और सुधीर ने हमारे बच्चे के लिए खरीदे थे। हमारे बच्चे के लिए? मेरा और सुधीर का बच्चा। 30 साल पहले मैं आरके विप्स कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। सुधीर के पापा उसके मालिक थे। वहाँ सुधीर और मेरे बीच में प्यार हो गया और कुछ समझ पाती उसके पहले मुझे पता चला कि मैं सुधीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो आप दोनों की शादी नहीं? जी नहीं, सुधीर ने तो वादा किया था लेकिन उसके पेरेंट्स राजी नहीं थे क्योंकि मैं उनकी हैसियत की नहीं थी। वो तो सुधीर की शादी बहुत ही रईस खानदान में और उनके स्टेटस की लड़की से करना चाहते थे। फिर? उसके पेरेंट्स ने और फैमिली ने बहुत कोशिश की उससे, मुझे यहाँ तक कि मेरे फैमिली को समझाने की कि मैं बच्चा की राधू, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को जन्म दूंगी। 15 मार्च 1990 को मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, लेकिन आते ही वो मर गया। जिस बच्चे को गोद में खिलाना था, छोटे छोटे कपड़े पहनाने थे उसे, कुछ नहीं कर पाई मैं। मुझे लगा था कि ऐसे वक्त में तो सुधीर मेरे साथ होगा, मेरा साथ देगा, लेकिन उसने तो इसके पहले ही मुझसे बात करने तक छोड़ दी थी। उसी महीने में उससे माया से शादी भी कर ली। तो इसीलिए आपने आज तक शादी नहीं की और यहाँ अकेली रह रही? जी हाँ। सुधीर जी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उससे बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। बहुत नफरत करती थी आप उनसे? उससे ज्यादा नफरत उससे और कौन कर सकता है। उन्होंने आपको आपका हक नहीं दिया तो आपने जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया। जब जायदाद में भी हिस्सा देने से मना कर दिया तो आप गुस्सा हो गई और मार दिया उसे। मैंने उसे नहीं मारा और मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो चाहती थी कि वो जिंदा रहे और जिंदगी भर तड़पे। जिस दिन सुधीर जी की मौत हुई थी उस दिन 2 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? मैं घर पे ही थी। आपके पास कोई विटनेस, कोई गवाह? कोई सबूत नहीं है। हेलो, हाँ सर। ओके सर, हाँ साथ में ही सर, मैं अभी बोलता हूँ। जी यस सर। सर सालों के सर फॉरेंसिक बुला रहे हैं, जल्दी कह रहे हैं कि कुछ दिखाना है। सुनोगे तो यकीन नहीं आएगा बॉस, उस एनवेलप की जब मैंने अच्छी तरह से जांच की तो मुझे फिंगरप्रिंट तो किसी के नहीं मिले, लेकिन उस एनवेलप में से मुझे डीएनए के लिए सैंपल मिल गया। जिस किसी ने भी वो एनवेलप भेजा उसने शायद मुंह से थूक लगा के उसे सील किया, और इसीलिए मुझे उस एनवेलप पर से सलाइवा के ट्रेसेस मिल गए जिससे डीएनए प्रोफाइल बनाया जा सके। लेकिन सर डीएनए टेस्टिंग के लिए तो 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। हाँ, और मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ प्राइमरी टेस्ट कर लिए। क्या निकला सर आपके इस टेस्ट में? इस टेस्ट से मुझे पता लगा है कि ये जिस किसी का भी डीएनए उसका डीएनए सुधीर जी के डीएनए के साथ मैच करता है। क्या इसका मतलब है कि? इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये एनवेलप भेजा है वो सुधीर का कोई खून का रिश्तेदार है। मतलब सुधीर का कोई अपना सुधीर को ही ब्लैकमेल कर रहा है, पर कौन कौन हो सकता है? सर अदिति के पेट में जो बच्चा था उस वक्त वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। और सर बच्चे
सुधीर जी के बेटे रितेश और नील। कहीं उन दोनों को सुधीर जी और अदिति का राज पता तो नहीं चल गया था? क्या पता उसी के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो उन बच्चों के कपड़े बेच के। अच्छा सर, वो जो बच्चों के कपड़े मिले थे वो वाकई पुराने हैं या फिर मैले कुछ लेकर के पुराने दिखाने की कोशिश की गई? मैंने उन्हें स्पेशलाइज्ड लैब में चेक करने के लिए भेज दिया, जल्दी पता लग जाएगा। वैसे पूरी सुधीर के बेटों के बारे में क्या पता चला, क्या करते थे वो? सर, एक साल पहले सुधीर जी ने अपने बेटों को अपनी ही कंपनी में बोर्ड मेंबर बनाया था और उसी के बाद से कंपनी लॉस में जाने लगी। वो दोनों कंपनी के पैसों पे खुद ही ऐश करते थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शौक, सब कुछ करते थे सिवाय काम के। लेकिन सर, सुधीर जी अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, दोनों के लिए अलग अलग बंगले, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने ही वो एनवेलप लेटर बॉक्स में डाला? ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग क्यों? अरे यार, पैसों के लिए, कंपनी डूब रही थी। करेक्ट, कंपनी कंगाल होने से पहले जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। अगर ये सुधीर के दोनों बेटे अपने बाप को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे तो जरूर उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे तो आए होंगे, बड़ी रकम आई होगी। एक काम करो, इन दोनों के कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सब चेक करो, देखो कोई बड़ी रकम आई थी क्या। सर कुछ मिला है? आरके वेब्स इंडस्ट्रीज के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं? एक मिनट, देखता हूँ सर। ये रितेश या नील का अकाउंट ही होगा? नहीं सर, ये प्राइवेट अकाउंट है, रेचल के नाम पे। कौन से पैसे? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। कौन से पैसे? वही पैसे जो आरके विप्स के अकाउंट से तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। अब कुछ याद आया? वो तो मेरी सैलरी है, मैं वहाँ पर काम करती थी। सैलरी 11 करोड़ सैलरी, हाँ, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों का। उस हिसाब से तो तुम्हारे महीने की सैलरी 22 करोड़ रुपए होगी। क्या काम, क्या करती हो तुम? ब्लैकमेलिंग का काम। तुम और रितेश मिलकर सुधीर जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। देखो रेचल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने आरके विप्स में एक दिन भी काम नहीं किया है। अब सीधे सीधे सच बोलोगी या? रितेश नहीं रहा है, उसके हिस्से की जितनी भी सजा है ना वो तुम्हें ही मिलेगी। ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की सजा जानती हो तुम? मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। तो क्या सुधीर जी ने तुम्हें 11 करोड़ ऐसे ही खैरात में दिए? सुधीर अंकल ने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। तो फिर किसने किए? मेरे बॉयफ्रेंड रितेश ने। उसने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी कंपनी के पैसे कहीं और रखना चाहता है। कहीं और? क्यों? पता नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं। तुमने रितेश से पूछा नहीं, और जब रितेश मर गया तो पुलिस को बताया नहीं? मुझे लगा रितेश तो रहा नहीं, तो पैसे मैं ही रख लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। आखिर सुधीर और उसके फैमिली को मारा किसने होगा? परी तो वीडियो बना रही थी, फिर जानवी बीमार थी, और जगन्नाथ अपने फैमिली के साथ फिल्म देख रहा था। आदिति के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कौन हो सकता है जिसने सुधीर को वो एनवेलप भेजा, वो पैकेज भेजा? कौन है वो जिसका नाम सुधीर वसीयत में डालना चाहता था पर डाला नहीं? कौन? फ्रिज में दूसरा केक कहां से आया? हाँ सर, ये दो दो केक। वही तो, जब बर्थडे था तब सुधीर ने अपने फैमिली के साथ छोटा वाला केक क्यों काटा जबकि इतना बड़ा केक है फ्रिज में? सर, ताकि वो रात में पार्टी पे ये बड़ा वाला केक खा सके। अरे यार सुधीर जी कोई 18 साल के बच्चे थोड़ी न थे जो अपने बर्थडे के लिए दो दो केक मंगाएंगे। सर, हो सकता है ये केक उन्हें किसी ने गिफ्ट किया हो, ये बादाम वाला केक। लेकिन बॉक्स में लेके आएंगे ना, उस पर केक शॉप का नाम भी होगा बॉक्स पर। नहीं सर, वहाँ हमें तो कोई बॉक्स मिला नहीं। नहीं, हो सकता किसी ने केक घर पे बनाया हो, तभी हमें बॉक्स नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन ये बादाम वाला केक बनाया किसने होगा? सर मैं जानवी का सोशल प्रोफाइल चेक कर रही थी, उसके ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं जिनमें वो केक्स और पेस्ट्रीज बेक कर रही है। बेकिंग का बहुत शौक है उसे।
हाँ मुझे बेकिंग पसंद है, तो क्या? तो कुछ नहीं, तुमने बादाम वाला केक बनाया था ना सुधीर जी के लिए? जब मुझे पता है कि उनको बादाम से एलर्जी थी तो मैं उनके लिए बादाम वाला केक क्यों बनाऊंगी? क्योंकि तुम चाहती थी कि वो केक ना खाए, खाते तो बेहोश हो जाते ना। और तुम चाहते थे कि जब तुम उन्हें मारो वो होश में रहे, तड़पे तुम्हारे साथ, गिड़गिड़ाए, है ना? मैं सुधीर अंकल को क्यों मारना चाहूंगी? तुमने केक में सेडेटिव नहीं मिलाया रितेश, नील और माया को मारने के लिए? आप लोग ये सब क्या बोले जा रहे हैं? बस बस, नाटक बंद। तुमने बोला था ना कि तुम उस दिन बीमार थी और घर पर ही थी, कहीं नहीं गई थी, फिर पार्टी में कैसे गई थी ना पार्टी में? मैं सच में 2-3 बजे तक सो रही थी, फिर मैं जब सोकर उठी तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और इसलिए मैं पार्टी में चली गई। इसमें मैंने क्या गलत किया? अगर तुम 2-3 बजे तक सो रही थी तो 2:30 बजे के आसपास जब सुधीर जी की मौत हुई तब तुम्हारा मोबाइल उनके घर के पास क्या कर रहा था? देखो जानवी, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हारे मोबाइल के रिकॉर्ड चेक किए हैं, जिस वक्त सुधीर जी की मौत हुई तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन उनके घर के पास थी। अब सच बताओगी या और टाइम वेस्ट करना है? मैं और नील एक दूसरे से प्यार करते थे, हमने सोचा कि नील के डैड का बर्थडे है तो हमारे पास अच्छा मौका है उनको सब कुछ बताने के लिए, और इसलिए मैं वहाँ चली गई। वहाँ भटकती रही, नील को कॉल करती रही, घंटों मैं वहाँ घूमती रही, लेकिन नील का कोई कॉल नहीं आया। मुझे लगा कि शायद नील को मौका नहीं मिल रहा है मुझे कॉल करने का। झूठ! तुम्हें लगा कि नील ने तुम्हें धोखा दे दिया इसलिए तुमने उसे और उसके पूरे परिवार को मार दिया? ये अच्छी जबरदस्ती आप लोगों की। अगर मुझे बेकिंग पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खून मैंने किया है। इंटरनेट पर रेसिपी देखकर केक तो कोई भी बना सकता है, केक बनाना कौन सा मुश्किल काम है? और रितेश की गर्लफ्रेंड रेचल, वो भी तो बेकिंग करती है, आप लोग उससे जाकर क्यों कुछ नहीं पूछते? सबसे पूछेंगे हम, बुलाओ सबको। बड़ा इंटरेस्टिंग केस ही है, ऐसे बहुत कम होता है कि इतने सारे लोगों के पास एक ही आदमी की जान लेने के लिए मौका भी है और मकसद भी। आप लोग फिर से? सर मैं क्यों मारूंगी उनको? आप नील से शादी करना चाहती थी, फैमिली ने मना कर दिया, तो बड़ी वजह है खून करने के लिए। और सुधीर जी की फैमिली के लिए तो हैसियत और सोशल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदित्य जी। और सुधीर जी ने इसी हैसियत और सोशल स्टेटस के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो आपसे ज्यादा नफरत और किसके दिल में हो सकती है? मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है और ना ही मुझे किसी बात का अफसोस है। अफसोस तो तुम्हें भी नहीं होगा रेशल, यहाँ तो 5-5 हजार के लिए लोग मर्डर कर देते हैं और तुम्हें तो बैठे बिठा है 11 करोड़ मिल गए। और आप? आपके तो हाथ में सुधीर जी ने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दे दिया था ना, आप सब जानती थी उनके बारे में, ये भी जानती थी कि वो अपनी गन कहाँ रखते। देखिए आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उस दिन घर पे वीडियो ब्लॉग बना रही थी, चाहे तो आप मेरा मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लाइए, पता तो चले वीडियो ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। सर अब तो आपको यकीन आ गया ना कि उस दिन मैं अपने घर पे DIY वीडियो बना रही थी। DIY मतलब? Do it yourself। सर मैं अपने इंटरनेट चैनल पे लोगों को रोज के काम करने के इजी तरीके बताती हूँ। Do it yourself। सर न्यूज़पेपर देखिए, डेट भी वही है। हाँ है तो वही, यानी वीडियो उसी दिन शूट हुआ है। सर आप पूरे? सर मैंने मेमोरी कार्ड पे डेट और टाइम चेक किया, ये वीडियो उसी दिन बना है, 2 और 4 के बीच बना है। अच्छा, और सर परी की मोबाइल लोकेशन क्रॉस चेक की हमने तो पता चला कि उस दिन वो घर पे ही थी। पूर्वी एक काम करो, इन चारों लेडीज को अलग अलग कमरे में बिठाओ। सर चलिए। सर आप क्या सोच रहे, सारे सबूत तो उसके सपोर्ट में, मुझे तो इस केस में अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बात तो पक्की है कि जब अंधेरा होता है तब परछाई नहीं होती,
लेकिन मुझे लगता है ये सारा का सारा केस परछाइयों का ही खेल है। सनडायल जानते हो ना? सनडायल, सनडायल वो सूरज की रोशनी किस दिशा में होती है उसके मुताबिक टाइम बताते हैं उसे। हाँ, मतलब सनडायल एक ऐसी चीज है जिससे हमें आकाश में सूरज की जगह पता चल सकती है, जिसकी वजह से हम वक्त का अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो, धरती हमारी घूमते रहती है, उस हिसाब से सूरज की जगह भी बदलने लगती है, जिसकी वजह से सनडायल पर परछाई की पोजीशन भी बदलते रहती है। अब ये तो समझ में आ गया सर, मगर इसका इस केस से क्या लेना देना? लेना देना है फ्रेडी, परी, ये सारे सबूत हमने परी से इकट्ठा किए ना, लेकिन परी एक ऐसी व्यक्ति है जो सारे एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर सकती है, मेमोरी कार्ड में डेट भी बदल सकती है, सारे एविडेंसेस कंट्रोल कर सकती है, मगर सूरज को कंट्रोल नहीं कर सकती है। परी भूलती है कि सूरज कभी भी गलत वक्त नहीं बताएगा। मतलब ये परी ने वीडियो में डेट और टाइम दोनों चेंज कर दिया? बदल दिया होगा भी या नहीं, लेकिन अब हम इन परछाइयों से पूछेंगे कि क्या परी झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। करेक्ट, ये सेटिंग बिल्कुल वैसी हो गई जैसे परी की वीडियो में थी। धूप भी लगभग वैसा ही है जैसे उस दिन था, सिर्फ परी की जगह पूर्वी खड़ी है। सर, हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले? अगले 6 घंटे तक पूर्वी को यहीं पे इसी जगह खड़ा रहना पड़ेगा जैसे वीडियो में परी खड़ी। हमें यह देखना है कि अगर परी सही बोल रही है तो 2 से 4 बजे के बीच पूर्वी के चेहरे पे ठीक उसी जगह से धूप आएगी जैसे परी के चेहरे पे थी। और अगर सर मेरी परछाई परी की परछाई से मैच नहीं हुई तो देखते हैं। कैमरा ऑन करो। चलो, गुड, ओके पूर्वी, रिलैक्स। सर, क्या आया वीडियो में? देखने दो यार। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच तुमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और फिर तुमने बड़ी चलाकी से वीडियो ब्लॉग का डेट और टाइम दोनों चेंज कर दिया। मेमोरी कार्ड में डेट और टाइम बदल दिया, अपने मोबाइल फोन को घर पे छोड़ दिया ताकि हमें लोकेशन वहां का मिले। तुम्हें क्या लगा ये सब करने से हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे? हा? ना तुम हमें बेवकूफ बना सकी, ना आसमान में निकले सूरज को। तुम्हारे वीडियो में धूप का डायरेक्शन देखकर साफ पता चल रहा है कि वो वीडियो 11 और 1 के बीच शूट हुआ है। अच्छी कोशिश की थी तुमने, लेकिन रिसर्च में कच्ची रह गई तुम। परी, तुम्हारे बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। परी, हमें ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते लगेंगे तुम्हारा DNA टेस्ट करके ये प्रूफ करने में कि तुम सुधीर जी की बेटी हो, लेकिन उसे सच बदल नहीं जाएगा। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल उन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं बस इतना चाहती थी कि वो मुझे अपना ले। बचपन से लेकर आज तक मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ, तो बस एक फैमिली चाहिए थी मुझे। तुम्हें सुधीर जी के बारे में पता कैसे चला? वो मेरे बचपन के कपड़ों की वजह से, उन कपड़ों पर हॉस्पिटल का कार्ड था, वो निकालना भूल गए थे, उसी कार्ड पर पापा का नंबर भी था। मैंने पापा को बहुत ढूंढा था, फिर लास्ट ईयर मुझे उनकी कंपनी के बारे में पता चला। लेकिन तुमने उनकी कंपनी क्यों ज्वाइन की? तुम तो चाहती कहीं भी सुधीर जी से मिलके बता सकती थी कि तुम उनकी बेटी हो। लेकिन मैं पहले उन्हें जानना चाहती थी, मिलना चाहती थी, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो बुरे इंसान नहीं है, वो दिल के अच्छे। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद
उस वक्त के हालात खराब होंगे इसलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था, मगर अब तो सब ठीक हो गया था ना, अब तो वो मुझे अपना सकते थे ना। तो फिर तुमने उनसे मिलते ही वसीयत में हिस्सा क्यों मांगा? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पैसे या मैं। तभी सुधीर जी अपनी वसीयत चेंज करना चाहते थे। हाँ, और ये सुन के मैं बहुत खुश हो गई थी। मगर सुधीर ने अपना फैसला बदल दिया जो तुमसे सहा नहीं गया। सब उनकी वाइफ और उनकी बेटों की वजह से हुआ। उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि पापा मेरा नाम दिल में ऐड करने की कोशिश कर रहे। मतलब एक बार फिर से सुधीर जी ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया। हाँ, और इस वक्त भी फैमिली की वजह से। वो बिल्कुल भी नहीं बदले थे, वो वैसे ही थे जैसे पहले थे। सेल्फिश, मतलबी, गैर जिम्मेदार। सीधे सीधे हिस्सा नहीं मिला तो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने जब उन्हें पहला एनवेलप भेजा तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फर्रा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि एनवेलप अपने खुद के मुंह से सील कर। मैं तो यही उम्मीद करती थी कि एटलीस्ट वो मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर ले, मेरी खुद की भी फैमिली हो। और इसीलिए अपने पापा के बर्थडे के दिन नशीली दवाई वाला बादाम का केक लेकर उनके घर पे गई। Happy birthday to you. मुझे एलर्जी है। बेटा, तुम सुधीर जी की पूरी फैमिली खत्म करना चाहती थी ना, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अब तुम्हारे साथ उनकी फैमिली का आखिरी मेंबर भी खत्म हो जाएगा। जेल जाने से पहले हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। ये आदिति जी, तुम्हारी मां। मां, आपसे झूठ खा गया था कि आपका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। परी ने सुधीर और उसके परिवार को खत्म कर दिया। हमें अफसोस है कि आप दोनों फिर से हमेशा के लिए अलग हो जाओगी।